लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए अप्सरा किचन और बेल का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। मैं आपकी अप्सरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी, जो है एक कीमा। अंडे तो घर पे होते ही हैं, पर कई बार हम लोग आमलेट बना लेते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ भी बना लेते हैं, पर ये एक कीमा जो है मैं बनाने जा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप जरूर घर पे ट्राई कीजिए। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको जरूर ये डिश पसंद आएगी। तो जरूर आप कमेंट्स कीजिएगा आपको कैसी लगी ये डिश, और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। थैंक यू। चलिए फिर, एक कीमा बनाने से पहले मैंने ले ली एक कढ़ाई। अब मैं इसको गैस को ऑन करती हूँ, कढ़ाई को गर्म करती हूँ। इसमें हम डाल देंगे तेल अपना जरूरत अनुसार, जितना डालना हो। इसको हम ऐसे करके मिला लेंगे कढ़ाई में। अब इसको गर्म होने देते हैं। और मैंने लिए हैं 4 अंडे, जिसको मैंने बॉईल कर लिए हैं, इसके छिलके निकाल लिए हैं। इसको हमें छोटे छोटे पीस करके काटने हैं। इसको हम काट लेते हैं। जैसे हम कभी कभी सब्जियां चॉप करते हैं, उसे चॉप करके इसको काटेंगे कुछ इस तरह से बारीक से इसको चॉप करके काट लेंगे सारे अंडे को। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हम इसमें प्याज को डाल देंगे। मैंने एक मीडियम साइज के प्याज लिया है, जिसको मैंने बारीक से काट लिया है। डाल देते हैं इसको, हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जब तक ये फ्राई हुए, तब तक हम ये अंडे, मैंने अंडे सारे चॉप हो गए हैं मेरे, और ये प्याज भी हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ अदरक के पतले पतले टुकड़े कर लिए हैं मैंने कुछ, और 2-3 लहसुन के टुकड़े, और 3-4 हरी मिर्ची। अब इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। कुछ हमने अदरक लहसुन साबुत डाला है, और कुछ हम इसमें पेस्ट भी डालेंगे। आधा चम्मच मिला लेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम में रखेंगे। देखिए कितनी अच्छी झटपट से बन रही है। अब ये प्याज भी हमारा तैयार है। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं है, और स्वाद अनुसार नमक। बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं।
आपको देखिए ये सारा कुछ मेरा फ्राई हो चुका है बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत अच्छा खुशबू आ रही है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम और इसको किचन मिलाएंगे। हम डाल देते हैं सारे अंडे को जो हमने चॉप करके रखे हैं। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे धीमी आंच पे थोड़ा देर फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट मेरा तैयार है एक कीमा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला आधा चम्मच और डालेंगे थोड़ा धनिया। ये खुशबू कितनी अच्छी आ रही है आप जरूर ट्राई करें घर पे। कितना खाइएगा ऑमलेट वगैरह कभी ये कीमा भी खाना चाहिए और ट्रस्ट मी फ्रेंड बहुत ही अच्छा है ये। आप जब पे घर पे जरूर ट्राई कीजिए इसको। अब मैं इसको गैस को ऑफ करती हूँ और प्लेट पे सर्व करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरा एक कीमा तैयार है बन गया ना झटपट। आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये डिश जरूर पसंद आए और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा मेरे साथ। थैंक यू।